नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लैक बोर्ड में। आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें आपको रीजनिंग एप्टीट्यूड मैथ्स के हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो दोस्तों, हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर पहला है। अगर आपने हमारे इससे पहले के हिंदी ट्रिक्स, जीएस जीके ट्रिक्स और हिंदी प्रैक्टिस सेट के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के लास्ट में आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। दोस्तों, ये जो हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, चाहे वो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो या सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो। जहाँ कहीं भी रीजनिंग एप्टीट्यूड मैथ पूछी जाएगी उन सभी परीक्षाओं के लिए रामबाण सिद्ध होगी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा है पहला क्वेश्चन। ए अकेला एक काम को किसी 3 दिन में करता है, बी अकेला उसी काम को 6 दिन में कर सकता है, ए और बी साथ में उस काम को कितने दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, समझिए और उसे वीडियो को पॉज करके इसे खुद से अटेम्प्ट करिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए, सबसे पहले क्या कह रहा है कि ए काम को 3 दिन में करता है, ए किसी काम को 3 दिन में करता है, बी उसी काम को 6 दिन में करता है, तो बी कितने दिन में करेगा, 6 दिन में करेगा। तो अब हमें इसे क्या करना है, इसका टोटल वर्क निकाल लेना है, ठीक है, संपूर्ण कार्य कितना है। तो ये इसका एलसीएम निकालते हैं संपूर्ण कार्य के लिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा एलसीएम। तो ये हो जाएगा 3 2 6 और ये 6 1 6, तो ये 2 यूनिट पर डे आ गया ए का, कि ए कितना काम कर रहा है, 2 यूनिट पर डे काम कर रहा है। बी कितना कर रहा है आपका, 1 यूनिट पर डे काम कर रहा है, ठीक है, और टोटल आपका यूनिट कितना है, 6। तो पूछ क्या रहा है, ए और बी दोनों साथ में, मतलब इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो वो कितने दिन में करेंगे। तो आपको पता ही होगा क्या करना है, आपको टोटल वर्क से डिवाइड कर देना है ए प्लस बी, जो ए बी दोनों काम कर रहे हैं दोनों मिलके। तो ए एक दिन में कितना कर रहा है, पहले टोटल वर्क आपका है 6, तो 6 लिखिए, और यहाँ पर ए कितना काम कर रहा है एक दिन में, 2 कर रहा है, बी कर रहा है एक काम कर रहा है, 1 यूनिट, तो आपका हो जाएगा 6/3 और आपका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो मतलब 2 दिन में ये दोनों मिलके काम को ख़त्म कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 2 दिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक घड़ी में 2:20 का समय है, घड़ी की सुइयों के बीच का कोण क्या है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस का मैंने ट्रिक की हेल्प से आपको पहले ही करा रखे हैं, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ पर एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग का प्लेलिस्ट है हमारा, वहाँ पर आप इसे आसानी से कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और इसे खुद से अटेम्प्ट करिए। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इसे। इसका फॉर्मूला था 30 आवर, यहाँ घंटे की सुई का करेंगे, -11/2 और यहाँ पे होगा आपका मिनट, ठीक है। 30 घंटे की सुई कितने पे है आपकी, 2 पे है, ठीक है, 2:00, तो 2 करेंगे -11/2। मिनट की सुई आपकी कितनी है, 20 मिनट पे है, तो यहाँ पे हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 10, तो 60 माइनस, ये हो जाएगा आपका 110, और उसके बाद आपका आ जाएगा -50। लेकिन दोस्तों, मैंने वहाँ ट्रिक में ये भी बताया था आपको कि जो भी आता है अगर नेगेटिव में आएगा तो उसे हम पॉजिटिव कर देते हैं मॉड लगा के, तो आपका आंसर हो जाएगा 50। तो थीटा की वैल्यू आपकी क्या आ गई, एंगल दोनों के बीच के सुइयों का कोण का 50 डिग्री आ गया, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, ये है 50 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका मान बताना है, मतलब ये जो मान है यहाँ पर हमें इसको बताना है कि ये क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपको यही करना होता है कि देखना होता है कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग, मतलब बढ़ रहा है कि घट रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले 8 है, फिर 15 है, फिर 29 है, मतलब आपको ये तो पता चल गया बढ़ रहा है। अब कूड़ा बढ़ेगा कैसे, या तो उसमें कुछ ऐड हो रहा होगा या उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, दो ही चीज़ें हो रही होंगी। बढ़ने का क्रम तो ऐसे ही होगा ना, अगर 2 से 5 हो रहा है कोई चीज़ तो उसमें क्या, या तो प्लस हो रहा है या तो गूढ़ा हो रहा है कुछ चीज़, तो तभी तो बढ़ेगा, नहीं तो वैसे कैसे बढ़ जाएगा। तो अब जब आपने ये चीज़ समझ ली कि 8, 15 मतलब बढ़ रहा है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे देखना 8 से 15 कैसे हो सकता है। तो 8 से 15 के लिए क्या कर सकते हैं, 8 से 2 को गूढ़ा कर दें, 16 हो जाएगा, लेकिन हमें चाहिए 15, तो उसमें से -1 कर दें, तो अब आ गया आपका 15। अब ये फॉलो अगर बाकी सब पे भी होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हमारा गलत हो जाएगा तरीका। तो अब क्या करते हैं, नेक्स्ट पे अप्लाई करते हैं, इस पे 15 से हमें 29 बनाना है, तो 15 को गुणा किया 2 से, आ गया हमारा 30। अब इसे हम -1 कर देते हैं, हमारा आ गया 29, तो बिल्कुल 29 आ रहा। इसका मतलब हमने जो मेथड लगाया वो सही है, यही मेथड हमको लगाना। तो क्या किया हमने, मल्टीप्लाई 2 किया, -1 कर दिया, ठीक है, यहाँ पे भी यही किया,
तो अब हमको निकालना है यहाँ के लिए, तो सबसे लास्ट वाला ले लेते हैं, टाइम को ख़राब नहीं करते हुए मल्टीप्लाई टू करेंगे और उसमें से माइनस वन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 113 × 2 कर दिया तो आपका कितना आ गया इसमें, आपका आ जाएगा 226। उसके बाद आपको कर देना है माइनस वन, तो माइनस वन कर दीजिए, आ गया आपका 225। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 225 हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा बी 225। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब पेपर में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, इसीलिए मैं प्रैक्टिस आपको करवा रहा हूँ इन क्वेश्चन की। अब देख लेते हैं ये क्वेश्चन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा वेन डायग्राम आम फल और सब्जी के बीच के संपर्क को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है? दोस्तों ये वेन डायग्राम के क्वेश्चन हर बार 2 से 3 आपको पेपर में मिलेंगे ही, तो आप लोग इसे तैयार कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कह रहा है, आम फल और सब्जी के बीच के संपर्क को बताना है, ठीक है। तो आम, एक जगह आम लिखिए, फल लिखिए और सब्जी। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि फल और सब्जी ये दो चीज़ें तो ब्रॉड टर्म है, ठीक है, बड़ी चीज़ें हैं, लेकिन आम क्या होता है, आम फल के अंदर ही तो आता है, सब्जी में तो नहीं आता है ना, सब्जी में तो नहीं आता है ना, ये तो आपको पता ही होगा। तो कहने का मतलब, जो फल का हम वेन डायग्राम बनाएंगे, ये मान लिया हमने फल का बनाया, तो इसके अंदर आम आएगा, ठीक है, आम आ गया। फिर क्या होगा, सब्जी, अब सब्जी तो इसके अंदर आएगी नहीं, फल तो सब्जी नहीं होती ना, सब्जी तो अलग होगी, तो इसका मतलब सब्जी का अलग वेन डायग्राम बनेगा। तो ऐसा कौन सा आपको दिख रहा है, ये ऑप्शन डी, ये आपका हो गया फल का, ये हो गया आपका आम का, और ये हो गया आपका सब्जी का, ठीक है। अब यही क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट करता, वो आपको पूछ लेता कि आम है, फल है और अमरूद है, ठीक है, इसे हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, अमरूद कर देते हैं, तो आपका कैसा हो जाता है, अब आप फल भी है, आम भी है और अमरूद भी है, तो आप क्या करते, फल का सबसे बड़ा बनाते, क्यों, क्योंकि भैया हमको पता है कि आम और अमरूद ये दोनों तो फल ही हैं, ये इस फल के अंदर ही आएंगे, तो एक आम का बना देते और एक अमरूद का बना देते, ये हो जाता आपका सही, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ये मैंने जस्ट समझाने के लिए आपको कर दिया है, ताकि जिनको क्लियर ना हो वो उनका अब क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किसी कोड में ट्रेन को 39.7% से लिखा जाता है और मेल को इतने से लिखा जाता है, उस कोड में आइटम को कैसे लिखा जाता होगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो इनकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए और आप खुद से सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय अगर आपको सिर्फ नंबर दिए गए हों तो आप देख सकते हैं कि आपको पता होगा कि ए बी जेड ये जितने भी होते हैं, ए का 1 होता है नंबर, बी का 2 होता है, जेड का कितना होता है 26 होता है, ठीक है, ये नंबर्स होते हैं इनके। तो अगर सारे नंबर्स में दिए हों तब तो हमको उस तरीके से सोचना होगा, लेकिन यहाँ पे क्या दे रहा हैज़ दे रहा है, परसेंटेज दे रहा है, ये सब तो हमको नहीं पता ना, तो इनके लिए हम क्या करते हैं, इनके लिए बस कुछ नहीं, इन्हीं में से हमें ढूंढना होता है। जैसे देखिए हमें क्या करना होगा, ट्रेन का लिख लेते हैं, ट्रेन का लिख लेंगे, ठीक है, ट्रेन का लिख लिया 39, उसके सामने ही सब लिख लीजिए, ये हो जाएगा हैज़, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा परसेंटेज, ठीक है, ये सारे एक दूसरे के सामने लिख लिया। और क्या, मील का हमको दिया है, मील का, ठीक है, मील का कितना है 4, डॉलर है, हैज़ है और ये एट द रेट है, ठीक है, ये सारे इसके सामने लिख लिया। अब हमको पूछ रहा आइटम का, तो हमें आइटम भी ऐसे ही लिख लेंगे, आई, सबसे पहले आई देखिए कहाँ पे है, आई यहाँ पे है, ठीक है, आई का क्या हो गया 7 हो गया, इसे नोट कर लीजिए। टी का क्या हो जाएगा आपका, टी का हो जाएगा आपका 3, ये देख लीजिए यहाँ पे 3 है ना, तो 3 लिख लीजिए। ई का क्या हो जाएगा, ई का यहाँ पर आपका हो जाएगा, ई का देखिए कहाँ पे है, ई का ये है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका डॉलर का साइन हो जाएगा। एम का पूछ रहा है, एम देखिए कहाँ पे, ये है 4 है, ठीक है, तो 7 3 $4 आपका ये आंसर कहाँ पे मिल रहा है, 7 3 $4, ये है ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यदि 2 to the power 2x + 4 = 16x, तो 2 to the power x बराबर है, इस क्वेश्चन, इस टाइप के भी क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो इसे आप वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व कीजिए, मैं आपको बताता हूँ कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले 2 to the power 2x + 4 = ये 16 है, तो 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए बेस हमको बराबर बनानी होती है तभी हम x की वैल्यू निकाल पाएंगे। अब यहाँ पे तो 2 की है, यहाँ पे 16 है, तो ये ऐसे नहीं हो पाएगा, इनको हम कंपेयर नहीं कर सकते,
तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे, 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 4 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2 टू द पावर 4 इज 16 होता है। तो लिख दीजिए 4, और x पहले से ही था तो यहाँ पे x हो जाएगा। अब दोनों का पावर जो थी उनको इक्वल कर सकते हैं हम, आप लोगों को पता ही होगा, तो हो जाएगा 2x + 4 = 4x। अब इसे माइनस कर इसको उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 4x - 2x = 4, तो हो जाएगा 2x = 4, और यहाँ पे हो जाएगा x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 2 आ गई। अब क्या कह रहे हैं वो कि 2 टू द पावर x बराबर है, तो हमको 2 टू द पावर x की वैल्यू पता है 2 है, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, 4 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 50 मीटर का 30% है, ये दोस्तों इजी क्वेश्चन है, लेकिन मुझे लगा फिर भी इसे रखना चाहिए क्योंकि बहुत से लोगों को, हमारे दोस्तों को नहीं आता होगा, तो अगर आपको आता है तो आप स्किप कर सकते हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ जिन लोगों को नहीं आता है। तो 50 मीटर का, ये इसका का मतलब दोस्तों मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, और 30% लिखिए, परसेंटेज का मतलब जो होता है वो होता है 1/100, ठीक है। तो देखिए आपको सीधा क्वेश्चन में ही दे दिया 50 का हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, परसेंटेज का हमने क्या कर दिया, 1/100, तो ये कर दिया, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 15 आ गया आपका, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 हो तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है। अब ये क्रमागत संख्याएं मतलब, क्रमागत मतलब आपको पता होगा 1, 2, 3 लाइन से कोई भी संख्या हो, मतलब 17, 18, 19, जिनके बीच का डिफरेंस, मतलब उनके बीच का अगर आप निकालेंगे डिफरेंस तो सेम आएगा। जैसे यहाँ पे 19 ले लेते हैं तो इसमें से माइनस करेंगे, 18 में से 17 एक आया, अब 19 में से 18 करेंगे तो एक आया, तो ये डिफरेंस मतलब एक है, इसका सबका सेम है, तो यहाँ पे भी क्रमागत बोल रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना, औसत पूछ रहा है, औसत मतलब बीच, मिडिल का, जैसे कोई है 1, 2, 3, अब पूछा जाए इसका एवरेज क्या होगा तो आप इसका एवरेज 2 बता देंगे क्योंकि बीच में आ रहा है। तो इसी तरीके से 20 हमें बता दिया गया है, औसत मतलब 20 और 7 संख्या है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 7, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सात क्रमागत संख्याएँ हो गई। तो अगला क्या होगा, क्रमागत है तो मतलब नेक्स्ट दोनों के बीच का डिफरेंस सेम ही होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 21, यहाँ पे हो जाएगा 22, यहाँ पे हो जाएगा 23, इसके पहले क्या रहा होगा, यहाँ पे 19, यहाँ पे 18, यहाँ पे 17, ठीक है। अब क्रमागत, तो अब क्या पूछ रहा, तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो अब आप लोग आसानी से बता सकते हैं आपका आंसर क्या हो जाएगा, 23, ये ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर आकृतियों में से चयन कर प्रश्न कर प्रश्न आकृतियों की श्रृंखला पूरी करें, ये टाइप के क्वेश्चन फिगर वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग इसे प्रैक्टिस करिए, इस तरीके के क्वेश्चन आपको घुमा के देगा और आप लोग इसे सॉल्व करिए, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। तो अब हम सॉल्व करके बताते हैं इसे। पहली आकृति में आपको देखिए क्या दे रहा है, 1, 2, तो 2 लाइन है, तो पहले में क्या आपको मिल गया, 2। नेक्स्ट में देख लेते हैं कि ये कुछ सेट हो रहा है हमारा, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है, तो मतलब अभी दुख तो ठीक चल रहा है। नेक्स्ट पे देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पे 7 आ गया। अब पूछ रहा है नेक्स्ट में क्या होगा, तो ठीक है, तो आप देख लीजिए 2, 4, 7, और नेक्स्ट का पूछ रहा है कि क्या होगा, तो आप देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 4 से 7 में कितना डिफरेंस आ रहा है, +3 आ रहा है, 4 से 7 माइनस करके देख लीजिए, 7 में से 4 3 आ जाएगा, तो अगला क्या होगा, अब ये बढ़ कैसे रहा, +2 +3, तो अगला क्या होगा, +4 ही होगा ना दोस्तों, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, तो 7 में अगर 4 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11। तो अब हमको देखना है वो ऑप्शन जिसमें 11 लाइनें हो टोटल, तो देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये तो गलत हो गया, यहाँ 13 है, तो ये तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ पे 9 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि हमें चाहिए कितना, 11 चाहिए। नेक्स्ट लेते हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा होगा क्योंकि ये तो पिछले वाले से भी ज़्यादा हो रहा था, ये तो हो ही नहीं सकता, फिर आंसर यही होगा आपका, देख लेते हैं, चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, जी हाँ दोस्तों ये मिल गया आपको, तो 11 वाला यही आपका आंसर सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं, यदि रेड को कूट भाषा में 360 लिखा जाता है
तो ग्रीन को लिखा जा सकता है। इस टाइप के भी क्वेश्चन हर बार आते हैं दोस्तों, इसे तैयार कर लीजिए। तो रेड के सामने सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए भाई 360 हो रहा है, तो 360 कैसे हो रहा होगा, कुछ इसके नंबर ही होंगे। तो रेड के लिए आपका हो जाएगा, रेड के लिए नंबर लिखिए आप, हो जाएगा आर का होता है 18, ई का होता है आपका 5 और डी का कितना होता है 4। आप खुद से देख लीजिए, ए बी सी डी चौथे नंबर पे आ रहा है ना, ई का 5वें पे होता है, ये नंबर आपको पता होने चाहिए। अब ये 360 हमको लाना है, तो क्या हो रहा होगा, कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में। तो ये मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या मिल रहा है, 360 मिल रहा है, ठीक है, सही हो गया आपका। तो अब इसी तरीके से आपको ग्रीन का भी निकालना है, ठीक है। ग्रीन का निकालेंगे तो कैसे होगा, जी के सामने जी का नंबर क्या होता है 7 होता है, आर का क्या होता है, देखिए ए बी सी डी ई एफ जी, जिनको नंबर नहीं पता वो मैं बता दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, तो जी का 7 नंबर, ये सारे नंबर आपको पता होने चाहिए तभी आप जल्दी से कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ आपको वेट नहीं करना है बैठ के सारा गिनने के लिए। अब आर का क्या हो जाएगा आपका 18 होता है, ई का क्या होता है 5 होता है, ई का फिर से 5 होगा, और एन का कितना होता है 14 होता है। इन सबको मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि पिछली बार भी अभी हमने यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे आप लोग कैलकुलेशन करिएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 1400, ठीक है, 14100, ये आपका है ऑप्शन बी, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विलुप्त तो संख्या भरें, ये भी क्वेश्चन बहुत आता है कि यहाँ पर हमको बताना है कि क्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए कि कैसे हो सकता है, 4 3 8, 4 3 7 8 नहीं हो रहा है, ये तो तरीका फॉलो नहीं होगा। फिर यहाँ पे देख लेते हैं कि कोई और तरीका, 7 2 9 9 6 15, ये भी कुछ नहीं हो रहा, 7 7 में 2 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 6 तो आएगा नहीं, तो गलत तरीका है। तो जब ये सारे फॉर्मूले आपके ना, जब आपको ये चीज़ें नहीं सेट पड़ेंगे, तो आप क्या करिए, एक चीज़ ज़रूर करिएगा, ऐड करके देख लीजिए सभी नंबर का, कहीं ऐसा तो नहीं एक एक ब्लॉक का पूरा सेम नंबर आ रहा हो। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 4, इसको जोड़ लेते हैं पहले ऐसे आमने सामने, 4 प्लस 3 प्लस 8 कितना आ रहा है आपका, ये हो जाएगा 7 15 15 हो जाएगा। इसमें देख लेते हैं, 7 2 9 6 15, बिल्कुल सही। तो ये 2 प्लस 7 प्लस 6 ये आपका कितना हो जाएगा, 15। इसका मतलब हम जो इन सबको जोड़ने पर क्या आ रहा है, 15 ही आ रहा है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 प्लस, ये कितना, ये हमको यही तो निकालना है, +1 ये वाला ले लेंगे, बराबर कितना आ रहा, 15 आ रहा है, ये तो हमको पहले से ही पता है। तो 9 1 10, तो इसका क्या हो जाएगा, 15 माइनस 10, मतलब आपका आंसर क्या हो गया, 5 आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट ये है, लुप्त शब्द ज्ञात करें, इसमें क्या होगा, दूध में जिस तरीके से कैल्शियम होता है उसी तरीके से दाल का रिलेशन क्या होगा, किसके साथ होगा। तो दाल में क्या होती है, प्रोटीन होती है, हम सबको पता है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो दोस्तों ये है आज का क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आपको बताना है कमेंट में हमें कि जिस प्रकार से मोची का संबंध चमड़े से है, उसी प्रकार से दर्जी का संबंध किससे है, क्वेश्चन मार्क। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट में करके बताएं, तो जिसका भी आंसर सही होगा उसे मैं पिन कर दूंगा, बाकी लोग वहां से जाकर उसे देख सकते हैं। और दोस्तों अब ये जो हमने सीरीज शुरू की है इसे हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे, तो जो हमारे नेक्स्ट पार्ट आएंगे उन वीडियोस को भी आप लोग जरूर देखिएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, रीजनिंग एप्टीट्यूड मैथ से रिलेटेड ये हमारा पार्ट 1 था। अगर ये, मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे इस चैनल ब्लैक बोर्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको और भी बेहतरीन वीडियोस मिलने वाली हैं। ऑलरेडी हमने 200 प्लस वीडियोस हिंदी ट्रिक्स, जीएस ट्रिक्स और हिंदी प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड डाल रखे हैं, और मैथ से भी रिलेटेड डाल रखे हैं। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, कमेंट में भी मिल जाएगा, और हर वीडियो के लास्ट में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपका आज के वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो उसके लिए आप हमें कमेंट करें, हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करें। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, धन्यवाद।